वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास आया है TVS कंपनी का फोनेक्स बाइक। इसमें हो क्या रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों? एक मैकेनिक ने ये बाइक लाया था और बोला साजिर भाई मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है और बाइक हर हाल में स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस जब भी बाइक में कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है तो मैकेनिक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन्होंने देखा था इस बाइक में करंट नहीं आ रहा है। जब भी वक्त होता है बाइक में कोई करंट का तो मैकेनिक ऐसे करके चुलकाता है और दिक्कत में गिर जाता है। तो मेरे पास तो बाइक आया है, मैं ही ठीक करूँगा। मैकेनिक को ठीक करना चाहिए और सब काम सीखना चाहिए, इंजन से लेके वायरिंग तक सब काम सीखना चाहिए, तभी आपका नाम होगा और एक दिन कामयाब बनेंगे। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े हो इसीलिए मैं आप लोगों को मदद करूँगा। अगर बाइक में जिसमें कि स्टार्ट ना ले और बाइक में करंट ना आए तो करंट को हम लोग किस तरह से जांच करें जो बाइक में करंट नहीं आ रहा है। तो फिलहाल इस बाइक में प्रॉब्लम है करंट का, तो हम काम करेंगे करंट का। तो गाइस चार कॉयलों का ज़रूरत होता है इग्निशन लाइन बनने में। एक कॉयल का नाम है पिकअप कॉयल, जो हम लोगों का क्रैंक पोजिशन सेंसर बोलते हैं। दो नंबर वोल्टेज होना चाहिए। तीन नंबर हम लोगों का बॉडी अर्थिंग ग्राउंड होना चाहिए और ये सब सही रहे, और जिसमें कि CDI कॉयल सही रहे तो इग्निशन लाइन हम लोगों का बाटली कॉयल में वोल्टेज देगा। तो बाटली कॉयल, CDI कॉयल, पिकअप कॉयल, बॉडी अर्थिंग, चार चीज़ों का सामना करना पड़ता है तब जाके इग्निशन लाइन बनता है। तो वो सब कुछ चीज़ आप लोगों को क्लियर बताऊंगा और दिखाऊंगा, एक्चुअली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और बाइक में सबसे पहले आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा करंट आ रहा है कि नहीं और कहाँ कहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, किस जगह पर पिकअप कॉयल की आनी चाहिए, सब दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाइक में स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले बाइक का हॉर्न बज रहा है और इंडिकेटर भी जल रहा है, देखो चारों इंडिकेटर भी जल रहा है। अब बाइक को स्टार्ट करूंगा, चलो हर गीज भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, लाइए इधर लाइए। अब एक्चुअली आप लोगों को सबसे पहले दिखाएंगे जो बाइक में करंट हम लोगों को आना चाहिए, करंट आ रहा है कि नहीं। चलो किक मारो, रुको किक मारो, तो गाइस करंट हम लोगों का हरगिज हर हाल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सबसे पहले सीट खोलेंगे और टैंकी खोलेंगे, ओपन करो। तो गाइस इस बाइक में दिया गया है इग्निशन कंट्रोल यूनिट और इस तरह का आप लोगों को देखने मिलेगा और काफ़ी सारे वायर देखने मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ देखने आप लोगों को डरना नहीं, ठीक है। हम लोगों को मैकेनिक को काम करना है, तो चलो सब कपलर खोलता हूँ और आप लोगों को एक तरफ से चेकअप करके दिखाता हूँ जो क्या चीज़ हम लोग चेकअप करें जिसमें कि हम लोग का काम बन जाएगा। तो हमने खोल लिया है, बॉडी अर्थिंग भी खोल लीजिए। अब इस कपलर पे हम लोगों को देखना है गाइस, ये जो मोटा कपलर है इसमें हम लोगों को सात वायर देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों को यहाँ सिर्फ हम लोग दो वायर चेकअप करेंगे स्टार्टिंग के लिए। और स्टार्टिंग के लिए अगर दो वायर हम लोग चेकअप करें तो हम लोगों को जिसमें कि पता चल जाता है, और ये कपलर किस काम का है वो भी आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज चेकअप करेंगे, इसको पकड़ो। तो गाइस यहाँ देखिए इस कपलर पे आप लोगों को ऑरेंज कलर की एक वायर मिलेगा, ये इग्निशन ऑन करने पर आप लोगों को 12 वोल्ट की सप्लाई इस जगह पर मिलेगा, तभी बाइक स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ हम लोग एक वायर को लगाते हैं और जिसमें कि एक बॉडी अर्थिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ हम लोगों को मल्टीमीटर से वोल्टेज आ रहा है, आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इग्निशन हम बंद करेंगे, बंद हो रहा है, वन हो रहा है, वन हो रहा है, वन हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग का वोल्टेज यहाँ बराबर मिल रहा है। अब जिसमें कि एक वायर तो इसमें लगा हुआ है, अब बॉडी अर्थिंग हम लोग चेकअप करेंगे। जो ब्लैक में व्हाइट कलर की वायर जो है बॉडी अर्थिंग होता है TVS कंपनी का बाइक में है, तो चलो एक वायर यहाँ लगाता हूँ बॉडी अर्थिंग पे। तो बॉडी अर्थिंग से भी हम लोग का लैम्प जल रहा है, बंद कर रहा हूँ, बंद हो गया, चालू कर रहा हूँ, चालू हो गया। तो इसमें हम लोग को देखने को मिला ब्लैक कलर की वायर में, ब्लैक कलर में जो व्हाइट कलर की वायर है इसमें बॉडी अर्थिंग आएगा और ऑरेंज कलर की वायर में हम लोग का वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज भी मिला, बॉडी अर्थिंग भी मिला, और हम लोग स्टार्टिंग के लिए यहाँ कुछ भी नहीं चेकअप करेंगे। अब यहाँ से हम लोग चल जाते हैं इस जगह पर पिकअप कॉयल की, जो हम लोग का मैग्नेट कॉयल से आता है, क्रैंक पोजिशन सेंसर की कॉयल। तो उसमें हम लोग रीडिंग चेकअप करेंगे, जो 136 के आसपास में रीडिंग आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं।
अगर 136 के आसपास में अगर रीडिंग आएगा तो पिकअप कॉइल हम लोग का सही है, अगर नहीं आएगा तो ख़राब है, ज़्यादा आएगा तो भी ख़राब है। तो चलो मल्टीमीटर को हम लोग कॉन्टिन्यू पे किया और यहाँ एक एक करके वायर यहाँ हम लोग अटैच करेंगे। तो गाइस यहाँ देखिए 137 आ रहा है, बट कोई बात नहीं, 136 आपको बोला था, बट 100% पिकअप कॉइल का रीडिंग भी सही है। अब सवाल है, वोल्टेज भी सही है और पिकअप कॉइल की रीडिंग भी सही है, अब हम जैसे कि चेकअप किस तरह से करें जो हम लोग, कौन सा कॉइल ख़राब है, तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ। पुराना CDI दीजिए मुझे। तो गाइस अब हम लोग चेकअप करेंगे जो आउटपुट हम लोग का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं इस वायर पर, ठीक है। तो चलिए आउटपुट वायर पर हम लोग वोल्टेज चेकअप करेंगे और पिकअप कॉइल का वायर इसमें लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, ये सब रहने दीजिए, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जिसमें कि इस पर हम लोग चेकअप करेंगे, इसमें हम लोग का आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, लैम्प दीजिए। तो गाइस वायरेंज कलर की जो वायर है इसमें हमेशा 12 वोल्ट की वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है, आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। बस ठीक है, अब यहाँ हम लोग एक वायर को बॉडी अर्थिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ वोल्टेज आ रहा है, इस जगह पर वोल्टेज आ रहा है, लेकिन एक वायर इसमें और हम लोग अटैच करेंगे जो इसके अंदर, यहाँ अगर हम लोग को लैम्प जलेगा किक मारने तक तभी हम लोग का बाइक में करंट आएगा। तो गाइस चलिए हम लोग किक मारते हैं। रुको 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 रुको, सवाल ही नहीं, करंट नहीं आएगा बाइक में। तो गाइस यहाँ हम लोगों का लैम्प नहीं जल रहा है जो आउटपुट वायर है, किक मारने से हम लोगों का लैम्प जलता, आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा बाइक को ठीक करके। तो चलो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मुझे पता चल गया है। तो गाइस ये जो CDI यूनिट है ये हम लोगों का ख़राब हो चुकी है, कट चुकी है। तो चलो इसे हम लोग जिसमें कि चेंज करेंगे, तो नया मार्केट से हम लोग जिसमें कि CDI कॉइल लाते हैं। चलो इसे खोल लेता हूँ, इसको खोल के बाजू में रख देता हूँ। CDI यूनिट है, पार्ट नंबर मिलाता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ, N5060400। अब पुराने वाला में क्या आया दिखाता हूँ, N5060400। तो दोनों पार्ट नंबर एक ही है। तो चलो इसे हम लोग खोलते हैं। गाइस यही हम लोग का पार्ट नंबर है, देखिए सेम एकदम स्क्रीन शॉट लेके आप लोग देख सकते हो, एकदम सेम पार्ट नंबर है और जो लिखा इसमें है इसमें भी है। तो बट इसमें दो कपलर नहीं है, इसमें दो कपलर ज़्यादा है। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ वो क्या ज़्यादा है और काम करेगा कि नहीं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए इसमें हम लोग का एक मोटा कपलर है और इसमें भी एक मोटा कपलर है, ठीक है। और इसमें हम लोग का पिकअप कॉइल की वायर है और ये भी पिकअप कॉइल का वायर है। अब इसमें हम लोग का बॉडी अर्थिंग है, इसमें भी बॉडी अर्थिंग है। अब इसमें हम लोग का एक आउटपुट वायर है बाटली कॉइल का और इसमें भी एक बाटली कॉइल का वायर है, बट ये दोनों वायर इसमें नहीं है, दोनों वायर इसमें नहीं है। क्या बाइक में स्टार्ट होगा? तो गाइस सच में स्टार्ट होगा और सब कुछ काम करेगा। तो चलो बाइक को इंस्टॉल करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इग्निशन बंद करना पड़ेगा, जब भी काम करे नया चीज़ लगाए और इग्निशन बंद करके काम करे। तो मैंने यहाँ कपलर सेटिंग कर दिया है। अब गाइस यहाँ पिकअप कॉइल का वायर अटैच करेंगे। चलो पिकअप कॉइल का वायर अटैच कर दिया, इसको बॉडी अर्थिंग करो चार्जर के साथ। ये अब आप लोगों को दिखाता हूँ जो हम लोगों को लैम्प जल रहा है कि नहीं किक मारने के बाद। तो चलो एक एक करके वायर हम लोग अटैच करेंगे इसमें, जिसमें कि हम लोग को किक मारने से यहाँ हम लोग को लैम्प अगर जलेगा तो ही बाइक का इग्निशन करेंट आएगा बाटली कॉइल में, वरना बाटली कॉइल में हम लोग का करंट नहीं आएगा, ठीक है। अभी नहीं आएगा करंट, जब किक मारेंगे तब। तो गाइस यहाँ देखिए सबसे पहले चाबी को ऑन कर लेते हैं। चलो किक मारो, आहिस्ता आहिस्ता करके मारो, जोर से नहीं मारो लैम्प कट जाएगा। बस एक एक करके वायर लगा दिया, अब किक मारेगा छोटू, मारो बस, रुको आहिस्ता आहिस्ता करके मारो, थोड़ा थोड़ा करके मारो, मारो बस 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 बस। तो यहाँ हम लोग जब भी किक मारे तभी हम लोगों का लैम्प जलेगा, इसका मतलब हम लोगों का CDI यूनिट से हम लोगों का वोल्टेज बराबर एकदम हाई वोल्ट क्योंकि आ रहा है, और जिसमें कि बाटली कॉइल में अगर लगा दे तो 100% बाइक में करंट आएगा बाटली कॉइल सही रहे तो। अब हम लोग जांच कैसे करें जो बाटली कॉइल हम लोग का ख़राब हो गया है। अब यहाँ से हम लोग तो CDI लाइन से हम यहाँ से आउटपुट एकदम झकास हो गया है। अब चलो बाटली कॉइल में हम लोग लगाता हूँ
और आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाइक में करंट आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से अगर करंट आएगा तो समझना है बाटली कॉइल सही है, अगर नहीं आएगा तो बाटली कॉइल भी ख़राब हो सकता है। तो चलो चलो किक करो। बस 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 बस। तो गाइस आप लोगों ने देखा बाइक में करंट आ चुकी है। अब चलो आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस चलिए बाइक को मैंने सीसी टैंकी फेंकी लगा लिया, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलो इग्निशन ऑन करते हैं और हॉर्न भी बज रहा है, अब बाइक को स्टार्ट करूँगा। बंद, बाइक स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, कोई भी झटका नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो चलो बंद करते हैं। तो गाइस वायरिंग जब भी ख़राब होता है मैकेनिक भाई सोचता है कि बाइक क्यों दुकान में आ गया है, अरे झंझट का काम है, अगर बाइक सर्विसिंग आता तो कर लेते हैं, इंजन का काम आता है तो करने में अच्छा लगता, लेकिन देखो कोई भी काम अच्छा नहीं है, दिमाग लगा के करना पड़ता है। मेरे चैनल पे आप लोग टिके हो और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक भाई मेरे चैनल को देखते हैं वायरिंग के ऊपर, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ वायरिंग की रिलेटिव। कोई भी बाइक का जिसमें CDI ख़राब होता है तो मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को करके देता हूँ, दिखाता हूँ। अगर आप लोग को जान पहचान नहीं है, जिसमें कि जानकारी नहीं है इग्निशन लाइन के बारे में, तो एक मैकेनिक बन के कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मैकेनिक बनो और जिसमें कि आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ, जितना भी मॉडल आता है, जिसमें कि ये बाइक आया है बजाज डिस्कवर बाइक आया है, इसमें और भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है जो फ्यूज हम लोगों का गर्म हो रहा है, तो एक मैकेनिक ने इसको भी दे के गया है गाइस, तो इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो सब वायरिंग का काम मेरे यहाँ, जिसमें हमारे क्षेत्र में जितना भी मैकेनिक भाई है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा परेशान में पड़ जाता है तो मेरे पास लाता है, साजिर भाई इस बाइक में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं अभी जैसे कि ऊपर वाला मुझे बजा के रखा है, मैं अभी देख रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊँ खुदा ना खस्ता तो उसके बाद क्या होगा, मैं नहीं रहेंगे तो उस वक्त क्या करेगा। मैकेनिक भाई को खुद सोचना चाहिए, जो अभी लड़का नया नया काम सीख रहा है उसको अनुभव तजुर्बा होना चाहिए वायरिंग के ऊपर, जो CDI लाइन का है क्या है, बाइक में करंट क्यों नहीं आता है, बाइक में करंट किस तरह से आना चाहिए। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल इस बाइक का करके दिखाया, और मेरे पास एक मैकेनिक ने लाया था तो मैंने भी चेकअप किया, जो वोल्टेज आ रहा है, बॉडी अर्थिंग आ रहा है, पिकअप कॉइल का रीडिंग आ रहा है, तो आउटपुट क्यों नहीं, आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट नहीं आ रहा है तो CDI कॉइल खराब है, CDI कॉइल लगाया फिर आउटपुट आया, ऑटोमेटिक हम लोग का इग्निशन लाइन आ गया और बाइक को स्टार्ट कर दिया। तो गाइस यही था वीडियो, वीडियो बनाने का मकसद जिसमें कि आप लोगों को कुछ काम आया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इस तरह का वीडियो और भी हेल्प वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक यूट्यूब चैनल के साथ।